हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई एम आकाश दलाल एंड टूडे वी विल कंटिन्यू विथ आर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर सिक्सटीन आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड रीडिंग इन दिस एक्स्ट्रा टाइम चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है इलेवेंथ ऑफ जुलाई को ओके okay, तो एलिवेंथ ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी थीम फॉर 2020 ट्वेंटी इज हाउ टू सेफ गार्ड दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एमिट दी कोविड 19 पेंडेमिक तो देखिए कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई हमें दिखी है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पे देखने को मिला है तो उसी के बेस पे इस बार का जो पॉपुलेशन डे का थीम था उसको रखा गया था हाउ टू सेफ गार्ड दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अमिट दी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक वरियस रिपोर्ट्स हैव शोन दैट डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज ग्लोबली अमिट दी लॉकडाउन दी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जिसे हम एन सी डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म एन सी डब्ल्यू के नाम से जानते हैं दी एन सी डब्ल्यू देशनल कमीशन फॉर वुमेन इन

अगर वुमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहती है तो जो उसका हस्बैंड होगा या उसका जो पार्टनर होगा वो उसको यूज़ करने नहीं देगा एंड दैट्स वाई वी हैव सीन दी शार्प राइज़ इन अवर इंडियाज़ पॉपुलेशन ओके हम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और क्यों पॉपुलेशन हमारे लिए इतना बड़ा इशू है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिया जैसा जो पुअर कंट्री है वहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे उसमें जो परसेंटेज होगा इंडिविजुअल का परसेंटेज परसेंटेज होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ओके okay? पॉपुलेशन से स्टार्ट होकर हमारे लिए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन ओवरऑल एजुकेशन जॉब्स यूजेज ऑफ रिसोर्स हाउसिंग ये सारी चीज़ों में हमें दिक्कतें आती हुई दिख रही हो ओके okay? और इसी वजह से जो आ, सरकारी योजनाएं जो होती है वो पॉपुलेशन हमारे पास इतना बड़ा है कि वो सारी योजनाओं को ढंग से अप्लाई करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो हमारी सोसाइटी या गवर्नमेंट के पास नहीं रहती ओके तो स्टडी बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यू एन एफ मिलियन वुमेन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और हम जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आएंगे राइट इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में आएगा मे नॉट बी एबल टू एक्सेस मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव इफ दी लॉकडाउन लाइक

हिट हुई है वो कौन है महिला है अराउंड सिक्सटी परसेंट ऑफ वुमेन अक्रॉस दी वर्ल्ड अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट और इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे ज़्यादा असर हुआ है ड्यू टू द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक ओके okay, अब ये पॉपुलेशन डे मनाने का बैकग्राउंड क्या था सो so इन 1989, एटी नाइन दूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी रिकमेंडेड दैट इलेवेंथ जुलाई बी ऑब्जर्व बाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अ डे टू फोकस अटेंशन ऑन द अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज तो नाइनटीन में यू ने यह डिसाइड किया कि भाई इलेवेंथ जुलाई का जो दिन है उसको इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाना चाहिए और तब से उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है यू एन डी पी इंस्पायर्ड बाई दी पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस दैट वॉज क्रिएटेड बाई फाइव बिलियन डे ऑन इलेवेंथ जुलाई नाइनटीन एटी सेवन वन दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड फाइव बिलियन देखिए 1987 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो फाइव बिलियन पहुंचने का जो सेलिब्रेशन था वो किया गया था और उस टाइम पे अवेयरनेस कैंपेन चला था और उसके बाद 1999 से यूनाइटेड नेशंस ने इसको मनाना स्टार्ट किया द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सिक्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज़ एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन तो मैंने जो भी आपको इशू बताए जेंडर बायस से लेके वायलेंस से लेके एजुकेशन जॉब पॉलिटिक्स में महिलाओं का जाना रिसोर्स uh, का कैसे इस्तेमाल होगा अगर कम रिसोर्स होंगे ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो ये सारी ही चीज़ें हमें यू से जानने को यू uh, ने जो ये दिन मनाया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे उसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है इंडिया की कंसर्न क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है जो इंडिया से पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है दैट इज़ चाइना और बाई ट्वेंटी फिफ्टी ये कहा जा रहा है कि बाई ट्वेंटी फिफ्टी वी विल करॉस चाइना क्यों क्योंकि चाइना में अब तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी तो चाइना ने कदम का, काफ़ी कड़े कदम उठाए थे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बट इंडिया में अभी ऐसे कोई कदम उठाए नहीं गए काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं ओके बट जो लॉ होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वो अभी इंडिया में हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है आने वाले सालों में हो सकता है कि एक बहस चिड़ी है तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ऐसा कोई लॉ हमें आता हुआ दिखे इंडिया हैज़ जस्ट टू परसेंट ऑफ़ दी वर्ल्ड लैंड मास एंड सिक्सटीन परसेंट ऑफ़ द ग्लोबल पॉपुलेशन देखिए ज़मीन हमारे पास काफ़ी छोटी है बट पॉपुलेशन में वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट अप टू सिक्सटीन परसेंट इट इज़ दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड वन पॉइंट थर्टी सेवन बिलियन बाई ट्वेंटी नाइनटीन इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट इंडिया विल सून सरपास चाइनाज पॉपुलेशन ट्वेंटी फिफ्टी तो काफ़ी दूर की बात है Uh, अब जो नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक हो सकता है कि हम 2030 में ही चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर लें मिसमैच इन बर्थ एंड डेथ रेट रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पास्ट फ्यू डेकेड्स पोवर्टी एंड लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली टू द पॉपुलेशन एक्सप्लूजन तो हमारे यहाँ पोवर्स पोवर्टी भी है और इलिटरेसी भी है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे यहाँ ठीक से नहीं हो पाता चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज आज कंसिडर्ड एज अ हु विल टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एट ओल्ड एज ऑल्सो मोर चिल्ड्रेन मीन मोर अर्निंग्स द लेवल ऑफ फीमेल एजुकेशन हैज़ अ डिरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी एज इट इज एविडेंसड दैट द फर्टिलिटी रेट ऑफ़ इनलिटरेट वुमन बी हायर देन दोज हु आर लिटरेट ओके लैक ऑफ़ एजुकेशन प्रिवेंट्स वुमन फ्राम हैविंग फुल नॉलेज अबाउट द यूज़ ऑफ़ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ़ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फ्रीकुन चाइल्ड बट तो देखिए गाँवों में इसी वजह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है ओके okay, आज कल तो क्योंकि लिटरेसी बड़ी है सो uh, so, ये सारी चीज़ें कम हमें देखने को मिलती है बट फिर भी जिस स्टेट में लिटरेसी कम है यूपी बिहार वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ओके okay, सो so, ऐसे स्टेट में हमें आज भी जो चाइल्ड बर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है कॉल दो दोटल फर्टिलिटी रेट इज़ डिक्लाइनिंग इन इंडिया पुअर स्टेट्स लाइक बिहार यूपी राजस्थान एंड झारखंड स्टिल हैव टोटल फर्टिलिटी रेट अबोव दी नेशनल एवरेज ओके अब देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट अगर, अगर ज़्यादा होगा तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है okay? ओके अगर फर्टिलिटी के सामने अगर मोर्टालिटी रेट भी अगर उतना होता है तो आपका जो पॉपुलेशन है वो स्टेडी रहेगा ओके सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू रिमेन स्टेबल देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर द पॉपुलेशन टू रिमेन स्टेबल एंड ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ टू पॉइंट वन इज़ नीडिड अगर किसी कंट्री का या स्टेट का टोटल फर्टिलिटी रेट टू पॉइंट वन है तो उसकी जो एवरेज पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी स्टेबल रहेगी हाँ ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ टर्निंग डेमोग्राफिक डिविडन इन टू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर फॉर इंडिया हमें पता है कि भाई अगर आपके आसपास अगर आप नज़र घुमा के देखोगे तो काफ़ी सारे लोग आपको बेरोज़गार मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है क्यों क्योंकि पॉपुलेशन इज़ दी मेन रीज़न और वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दैट दिस यूथ पोटेंशियल इज ऑफन रिफर्ड टू एस डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हिच मींस दैट इफ द यूथ अवेलेबल इन द कंट्री आर इक्विप्ड विथ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग देन दे विल नॉट ओनली गेट स्यूटेबल एम्प्लॉयमेंट बट कैन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली टूवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बट हमारे यहाँ जो पूरा स्ट्रक्चर है वही इतना ठीक नहीं है कि वहाँ पर हमें

इश्यूज़ है बाकी सारे जो सेक्टर्स है बाकी सारे जो फील्ड्स है उस पर पॉपुलेशन कैसे असर कर रहा है ओके ना वॉट इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सो इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली एंड वर्क एज अ सेक्शुअल एंड रीप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी तो लोगों को सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस का काम कौन करेगा यू करेगा इट वॉज एस्टेब्लिश एज अ ट्रस्ट फंड इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड बिगेन ऑपरेशन इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन In 1987, it was officially renamed the United Nations Population Fund, but the original abbreviation UNFPA for the United Nations Fund for पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ वॉज रिटेन तो देखिये आज भी अगर आप देखोगे तो आज उसका ऑफिशियल नाम क्या है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड बट उसका जो ओरिजिनल एब्रीविएशन है यू एन एफ पी ए वो आज भी यूज किया जाता है तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है जब आपको यू एन एफ पी ए पूछा जाए एग्जाम में सो इट इज मैंट दैट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यू एन एफ पी ए वर्क डिरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर थ्री फोर एंड फाइव रिसेंटली दी यू एन एफ पी रिलीज दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट तो अभी हाल ही में जनवरी के महीने में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट सॉरी जुलाई के महीने में स्टेट ऑफ दर्ल्ड पॉपुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट पब्लिश की गई है ओके okay, चलिए और वो जो रिपोर्ट पब्लिश की गई उसकी थीम क्या थी उसका जो टाइटल था वो क्या था अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिस दैट हार्म वुमन एंड गर्ल्स एंड अंडर माइन इक्वालिटी तो ये उसका पूरा टाइटल था जो आपको याद रखना है आप आपको अगर वो रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो इस टाइटल के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यू एन एफ पी एज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट टाइटल्ड अगेंस्ट माई विल defying the practices that harm women and girls and undermine equality it highlights at least 19 human rights violation against women and focuses on the three most prevalent ones female genital म्यूटिलेशन एक्सट्रीम बाइज अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स एंड चाइल्ड मैरिज तो ये जो रिपोर्ट है वो इन तीन फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और इंडिया में ये तीनों चीज़ें कोई नई बात नहीं है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एक्सट्रीम बाइज अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स एंड चाइल्ड मैरिज ओके चलिए तो ये था आपका पहला टॉपिक जो कि पॉपुलेशन पे था और पॉपुलेशन वूमन को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में ट्वेंटी ट्वेंटी में फोकस किया गया है चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक रिलेट करता है गुजरात स्टेट के लिए पर्टिकुलरली तीन कास्ट के बारे में हमें पढ़ना है जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दरजा दिया जाने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और वो है रबारी भरवाड़ एंड चारण। सो रिसेंटली दी गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ फाइव मेंबर कमीशन टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ रबारी भरवाड़ एंड चारन कम्युनिटीज़ हु आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देखिए पूरी कम्युनिटी को एस का रिकोगशन नहीं दिया जाएगा ओनली टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ रबारी भरवाड़ एंड चारन कम्युनिटीज़ हु आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स ऑफ़ एस स्टेटस ओके तो एक इसके लिए एक पूरा फाइव मेंबर कमीशन सेटअप किया गया है वो लोग अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपेंगे कि भाई इन तीन कम्युनिटीज़ में दीज आर दी मेंबर्स हु आर एलिजिबल टू गेट दी एस टी स्टेटस इश्यू क्या था कहाँ से ये ज़रूरत पड़ी कि भाई ऐसा कमीशन गवर्नमेंट को बनाना पड़ा सो इन अक्टूबर 1956 फिफ्टी सिक्स देंट्रल गमेंट कॉन्फर्ड एस टी स्टेटस ऑन पीपल ऑफ़ रबारी भरवाड़ एंड चारन कम्युनिटीज लिविंग इन नेसिस टाइनी ओवल शेप्ड हट मेड्स मेड ऑफ़ मड ओके आप जंगलों में कभी जाओगे हाईवे पे कभी जाओगे तो वहाँ पर ऐसे मड आपको देखने को मिल जाएंगे ऑफगीर बारडा एंड एलेच एरियाज ऑफ गुजरात तो इन तीन जो एरियाज मोस्ट प्रोबेबली इन सौराष्ट्र का जो ए, पूरा इलाका है वहाँ पर ये कम्यूनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी हावेवर इट हैज़ बिन एलिजिड दैट द नंबर ऑफ पीपल नॉट लिविंग इन नेसीज है मैनेज टू गेट एस एस टी सर्टिफिकेट्स एंड आर एन्जॉइंग अनड्यू रिज़र्वेशन बेनिफिट्स मेनली इन गवर्नमेंट जॉब्स अब जो लोग इन तीनों कम्युनिटीज़ में जो लोग वेल टू डू है इन तीनों कम्युनिटीज़ के उन लोगों ने भी क्या किया किसी तरह से एस टी का सर्टिफिकेट ले लिया ख़ुद को एस टी के तौर पर एस्टाब्लिश कर लिया और उनको अब जो रिज़र्वेशन जॉब्स में जो बेनिफिट्स है वो उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे इससे नुकसान क्या होगा कि जो औरिजिनल जिसको एस का फ़ायदा मिलना चाहिए था ओके जो एक्चुअल में नीडी है इन तीनों कम्युनिटीज़ में रबारी भरवाड़ एंड चारन कम्युनिटीज़ के जो एक्चुअल नीडी लोग हैं उन लोगों को वो रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है ओके लीडर्स ऑफ दिस थ्री कम्युनिटीज़ एंड अदर कम्युनिटीज़ एज वेल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम अगेंस्ट दिस ओके सो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो ज़रूरी है उसको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए ना कि उनको के जो टू डू फैमिली से तो इसी के लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमीशन बिठाया गया है तो कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा टू रिजॉल्व दिस इश्यू एंड आइडेंटिफाई द लेजिटिमेट बेनिफिशियरीज़ ऑफ़ एसटी स्टेटस अमंग द मेंबर्स ऑफ

जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज़ हैं ऐसे रिजर्वेशन के या गवर्नमेंट स्कीम्स के उन तक वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है कम्पोजिशन कैसा होगा तो ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ दी फाइव मेंबर कमीशन विल कम्प्राइज अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एज दी हेड टू डिस्ट्रिक्ट जजेस वन रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर एंड वन रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर इसलिए ताकि उनको पता हो कि भाई कौन से इलाके में ऐसे लोग देखने को हमें मिलेंगे जिनको एस का दर्जा दिया जाना चाहिए एंड वाई रेवेन्यू ऑफिसर टू वेरीफाई दी इनकम सर्टिफिकेट्स ओके okay, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है आने वाली एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है ओके okay? और ये जो है वो आपको तीनों कास्ट के बारे में तीनों कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्टफ है रबारी कम्युनिटी क्या हो गई तो ओरिजिनली दे माइग्रेटेड फ्रॉम राजस्थान वाया कच्छ एंड नाउ मोस्ट ऑफ देम लिव इन दी ओखा मंडल रीजन ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट ओके तो रबारी जो कम्युनिटी है देखिए नॉट ओनली ओखा मंडल रीजन बट आपको काफ़ी सारे हर सिटी के जो आउटर डिस्ट्रिक्ट आउटर जो एरिया होगा वहाँ पे आपको ये आ, रबारी कम्युनिटी के लोग देखने को मिल जाएंगे जो जामनगर से भी आगे जाकर इन बेटर लाइफ इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ वो लोग माइग्रेट हुए बट मोस्ट प्रोबेबली वो लोग कहाँ रहते हुए दिखेंगे ओखा मंडल रीजन ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट दे स्पीक भोपा विच इज़ द मिक्सचर ऑफ गुजराती कच्छी मारवाड़ी वर्ड्स ऑफ मारवाड़ी वर्ड्स एंड फारसी एंड यूज गुजराती स्क्रिप्ट ओके तो उन लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी बोली कौन सी है उनकी बोपा। वुमेन स्टैंड इन ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस टू दैट ऑफ मैन मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शिप सेलिंग ऑफ मिल्क ओके अगर आपके यहाँ कोई दूध देने वाला जो इंसान आता है ओके कैन लेकर तो वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा रबारी कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा ओनली अ फ्यू ऑफ देम ओन कल्टिवेबल एग्रीकल्चर लैंड ओके उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है क्यों क्योंकि वो ओरिजनली राजस्थान से माइग्रेट हुए हैं रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड एंगेजिंग एज वेज लेबर इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ एज स्क स्किल्ड लेबर दे प्रोफेस हिंदुइजम एंड आर फॉलोअर्स ऑफ शिवा एंड शक्ति देयर फोक सॉन्ग्स आर कॉल्ड सिया तो ये जो छोटी छोटी बात है वो आपको याद रखनी है कभी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें दे दी जाए और पूछा जाए कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई हम किस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट द रबारी कम्युनिटी नेक्स्ट हमारी भरवाड़ कम्युनिटी सो द टर्म भरवाड़ इज मोडिफाइड फ्राम दी वर्ड भरवाड़ बडा मीन्स शिप एंड वाडा रिफर्स टू दी कंपाउंड और एनक्लोजर दी पर्सन हु पजेस कंपाउंड और पेंस इज नोन एज भरवाड दे कम्युनिटी दे कम्युनिकेट इन गुजराती एंड यूज गुजराती स्क्रिप्ट भरवाड वुमेन हैव अ लोअर स्टेटस ओके देखिए रबारी में क्या था मैन और वुमेन का जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट सेम है अगर फैमिली ट्री की बात करें बट यहाँ पे लोअर स्टेटस में देखा जाएगा उनको इन कंपैरिजन टू मैन द भरवाडर Pastorals who are permitted to graze their sheep and cattle in certain democratic, democratic areas of the reserved forest. Some of them possess uh, dry agriculture land and earn their livelihood as agriculture laborers. They profess Hinduism, and Krishna is considered the supreme god. और नेक्स्ट जो आखिरी कम्युनिटी है जो जिसको इस जो कमीशन एग्जामिन करेगा वो है चारन कम्युनिटी चारन आल्सो कॉल्ड एज गढ़वी और ये बेसिकली आपको सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन में देखने को मिलेंगे दी चारन आल्सो कॉल्ड गढ़वी इज़ अ स्मॉल ट्राइब इन गुजरात एंड द नेम चारन इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड चार विच मीन्स ग्रेजिंग दे स्पीक गुजराती एंड यूज गुजराती स्क्रिप्ट दे मैरी विद इन दर कम्युनिटी एंड प्रैक्टिस मोनोगी मोनोगी का मतलब है एक ही लड़के या लड़की से वो लोग शादी करेंगे दी चारंस आर ट्रेडिशनली कैटल ब्रीडर्स they have also adopted agriculture as their secondary occupation they profess hinduism and their main डाइट is पिथोराई Mata. तो ये भी आपको याद रखना है तो ये तीनों community के बारे में जो basic si चीज़ें thi वो यहाँ pe आपको बता दी गई है ओके okay? तो मेन आपको याद रखना है कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने इन तीनों कम्युनिटीज़ के लिए एक फ़ाइव member कमीशन establish किया है ताकि जो legitimate beneficiaries हैं ST बेनिफिट्स के उनको रिकोगनाइज़ किया जा सके ओके चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज आपको पता होगा हाल ही में जो स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में एल पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तो देखिए इंडिया के अपने नेबर्स के साथ अभी जो बाउंड्रीज़ है वो एस्टेब्लिश बाउंड्रीज नहीं है ओके okay? पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है भूटान के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा था जिसको हमने पिछले कुछ सालों में एस्टैब्लिश कर दिया है डीमार्केशन कर दिया है ओके अब डीमार्केशन का मतलब क्या है कि काफ़ी सालों से जो सीमा विवाद चलता आ रहा था उसको हमने सुलझा दिया है बांग्लादेश के साथ भी जो हमारा सीमा विवाद था उसको काफ़ी हद तक हमने क्या कर दिया है सुलझा दिया है हाल ही में नेपाल ने हमारे सामने आवाज़ उठाई कि भाई हमने जो धुरा का जो इलाका था ओके उत्तराखंड में जो धुरा और कालापानी का जो इलाका है वो नेपाल का इलाका है जिस इंडिया उसको अपनी टेरिटरी बता रहा है नेपाल उसको अपनी टेरिटरी बता रहा है ओके तो क्यों ऐसे सीमा विवाद हमें देखने को मिलता है हम हमारा जो मैप है उसको तो ऑफिशियली मैप हम मान के चलते हैं ओके तो जब आप देखोगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है कि एल के बारे में अभी बात चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच ओके okay, काफ़ी सालों से वो बातें चली आ रही है और अभी कोई फाइनल बाउंड्री वहाँ पे नहीं बनी है और इसीलिए आए दिन क्या होता है कि चाइनीज़ टेरिटरी में इंडियन आर्मी चली जाती है पेट्रोलिंग के लिए और इंडियन इंडियन टेरिटरी में चाइनीज़ आर्मी चली आती है पेट्रोलिंग के लिए और इसी वजह से ये स्टैंड ऑफ़ होता हुआ हमें दिखता है बिटवीन दी टू कंट्रीज़ बिटवीन दी टू आर्मीज़ ओके हमें बताया क्या अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको चाइना अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया ये बोल रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो सालों से हमारा हिस्सा रहा है तो इसी की वजह से ऐसे स्टैंड ऑफ़ होते हुए हमें दिखते हैं इस बार चाइना ने किया गया कि हमारी जो एल थी उसके भी दो तीन किलोमीटर अंदर तक चाइनीज आर्मी चली आई इसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने उनके सोल्जर्स को मार दिया हमारे काफ़ी सोल्जर्स क्या हो गए आ, शहीद हो गए उसने राइट अब और डिप्लोमेटिक वेज में भी इसको काउंटर करना ज़रूरी था तो इसके इसको डिप्लोमेटिकली काउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया फ़िफ्टी नाइन चाइनीज़ बैन को बैन कर दिया चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया जिसमें टिकटॉक था यूसी ब्राउजर था स्कैनर वाली जो सारी एप्स थी तो इन सारी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया अब आपको लगेगा कि बैन करने का क्या मतलब है तो बैन करने का मतलब है कि जब आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो सो यू आर प्रोवाइडिंग अ मनी टू दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर एंटायर इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी फ़ोन में जो एंटायर इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आप उस कंपनी को दे देते हो तो वो सारा जो आपका डेटा है वो किसके पास जा रहा है चाइना के पास जा रहा है और चाइना उसी को डेटा को आपके कंट्री के अगेंस्ट में यूज़ कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि भाई ये पैसा किसके पास जाए पैसा और डेटा दोनों चाइनीज़ कंपनीज़ के पास जाए एंड देट्स वाई जो ब्रॉडली यूज्ड चाइनीज़ एप्लीकेशन थी उनको बैन कर दिया गया है ओके चलिए सो अब जब बैन कर दिया गया तो उसके सामने इंडिया में भी तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई दिस चैलेंज हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द अटल इनोवेशन मिशन हैव लॉन्च द डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव इनोवेट चैलेंज दिस मूव कम्स आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन 59 चाइनीज एप्लीकेशन फर्दर द कोविड नाइन्टीन हैज ब्रॉट अबाउट अ बिग डिसरप्शन इन अवर डे टू डे लाइफ व्हिच इज़ बीइंग टेकल्ड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आज तक हमें लगता था कि भाई ये काम घर पर बैठ कर नहीं हो सकता कोविड नाइन्टीन ने हमें वो भी सिखा दिया है कि भाई ये काम भी घर पर बैठ कर हो सकता है दी चैलेंज वुड इनक्रेज इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड इनोवेटर्स टू फैसिलिटेट देयर आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स तो इन एप्लीकेशन को बैन करने से इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो गेमिंग डेवलपर है या जो एप्लीकेशन डेवलपर है उनको ये मौका मिल गया है उनको ये खुला मैदान मिल गया है कि भाई इंडिया के लोग भी अपनी एक ऐप बना सकते हैं एक सफिशियंट ऐप बना सकते हैं कि जो टिकटॉक या एक्स वाई जेड एप्लीकेशन को रिप्लेस कर सके ओके सो इट विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय गवर्नमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द टेक कम्युनिटी टू मेक इट मोर होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा इट टू हेल्प क्रिएट एन आत्मनिर्भर एप्लीकेशन इकोसिस्टम और ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में नहीं है ऐसी हजारों एप्लीकेशन आने वाले टाइम में आपको आ, इंडियन ओरिजिन की एप्लीकेशन आती हुई आपको दिखेगी टू गिव बेटर विजिबिलिटी एंड क्लैरिटी टू एग्जिस्टिंग एप्स टू अचीव देयर गोल्स टू क्रिएट टेक प्रोडक्ट्स हेल्पफुल इन फाइंडिंग सोलूशन टू टेक प्रॉब्लम्स विद दी हेल्प ऑफ मेम्बरशिप टेक सपोर्ट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ओके okay, चलिए और ये चैलेंज कैसा होगा तो द चैलेंज विल रन इन टू ट्रैक्स दो हिस्सों में ये चैलेंज को चलाया जाएगा कैसे ट्रैक जीरो वन क्या होगा सो प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग है तो ऐसी एप्लीकेशन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जो ऑलरेडी प्ले स्टोर या आई ओ एस एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उनको प्रमोट किया जाएगा उनका मार्केटिंग किया जाएगा ओके okay, अब तक वो इतना मार्केट गेन नहीं कर पाए थे क्यों क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए चाइनीज़ एप्लीकेशन अवेलेबल थी बट अब जबकि चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है तो अब उनको मार्केट किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द कैटेगरीज ऑफ ई लर्निंग वर्क फ्रॉम होम गेमिंग बिजनेस एंटरटेनमेंट ऑफिस यूटिलिटीज एंड सोशल नेटवर्किंग द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मेंटरिंग हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट गवर्नमेंट उनको प्रमोट करेगी ओके इट विल वर्क इन अ मिशन मोड फॉर आइडेंटिफाइंग गुड क्वालिटी एप्लीकेशन फॉर दी लेडर बोर्ड एंड विल बी कंप्लीटेड इन अराउंड मंथ आने वाले एक महीने में हमें काफ़ी बड़ी शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी दूसरा ट्रैक क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन जैसे कि मैंने कहा कि जो एप्लीकेशन ऑलरेडी बैन हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो कोई एप्लीकेशन चाहिए तो अब उनको इंडिया में डेवलप किया जाएगा और इंडिया में ही उनका यूज़ किया जाएगा फॉर इंक्यूबेटिंग द न्यू एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स द इनिशिएटिव विल वर्क टू हेल्प क्रिएट न्यू चैम्पियंस इन इंडिया बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन आइडिएशन इनक्यूबेशन प्रोटोटाइपिंग रोल आउट एंड मार्केट एक्सेस ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको पूछा जा सकता है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन या तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सेक्शन uh, में ओके सो ऑस्ट्रेलिया सस्पेंड्स एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ हॉन्ग पहले तो एक्सट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है प्रत्यार्पण संधि ओके okay? तो जब किसी एक कंट्री का एक कंट्री में कोई एक जो इंसान है वो अगर गुनाह करके भाग जाता है किसी दूसरे कंट्री में और अगर इन दोनों कंट्रीज़ में अगर एक्स्ट्रा डिशन होगी तो जो दूसरा जो कंट्री है वो उस इंसान को सौंप देगा पहले वाले कंट्री को ओके okay, जैसे कि अभी विजय माल्या को यूके सौंपेगा इंडिया को क्यों सौंप रहा है क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनी हुई है ओके okay, तो इसको कहा जाएगा प्रत्यार्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो ऑस्ट्रेलिया ने हांगकॉन्ग के साथ की अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को आ, ख़त्म कर दिया है कंक्लूड कर दिया है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया है सस्पेंडेड इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग इन रिस्पांस टू अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज बाय चाइना जिसका काफ़ी अपोज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वाज इन प्लेस सिंस 1993 देखिए 20-25 सालों की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी उसको ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिया टू अपोज चाइनीज़ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ ओके और एक्स्ट्राडिशन जैसे कि मैंने अब आप, आपको बताया एक्स्ट्राडिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑन ऑफ वन स्टेट सरेंडरिंग एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड इन द रिक्वेस्टिंग कंट्रीज ज़ूरिडिक्शन, इट इज जनरली एनेबल्ड

या तो पुरानी ट्रीटी को अपडेट करेगा या तो नई ट्रीटी बनाएगा तो वो कौन से एक्ट के अंतर्गत होगी वो होगी अंडर दी इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 ओके okay? चलिए और ये आपको दिख रहा है कि हांगकांग का इलाका और देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि चाइना हांगकांग और मकाओ को अपना हिस्सा मानता है और वहां पे वन नेशन टू सिस्टम वाली जो थियरी है वो वहां पे वर्क कर दिए कि हॉन्गकॉन्ग uh, और मकाओ की जो सिक्योरिटी या जो डिफेंस की जो पॉलिसी है या जो विदेश नीति जो है फॉरेन uh, मिनिस्ट्री जो है चाइना संभालेगा ओके चलिए होंगकॉन्ग वॉज फॉर्मली ब्रिटिश कॉलोनी लाइक इंडिया ओके एंड वॉज हैंडेडर हैंडेड ओवर टू मेन लैंड चाइना इन नाइनटीन नाइनटी सेवन और पचास सालों के लिए चाइना को वो सौंपा गया था टिल नाइनटीन फोर्टी सेवन टिलू थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन ओके सॉरी नॉट नाइनटीन फोर्टी सेवन टू ट्वेंटी फोर्टी सेवन बिकमिंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दूसरा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कौन सा है मकाउ It is governed by a mini constitution called the Basic Law, which affirms the principle of one country, two systems. The constitutional document is a product of the 1984 Sino British Joint Declaration, under which China promised to honor Hong Kong's liberal policies, system of governance, independent judiciary, and individual freedoms for a period of फिफ्टी ईयर्स फ्रॉम नाइन्टीन नाइन्टी सेवन और ये जो नया सिक्योरिटी लॉ है लॉ जो है वो किसको वायोलेट कर रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो प्रॉमिस थी उसको वायोलेट कर रहा है एंड दैट्स वाई हॉन्गकॉन्ग के जो लोग हैं होंगकॉन्ग के जो सिटीज़न है वो इसको अपोज कर रहे हैं इश्यूज़ विथ नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना बाईपासड हॉन्गकॉन्ग लेजिस्टिव काउंसिल टू इम्पोज द नेशनल सिक्योरिटी लॉ विच प्रोहिबिट्स एक्टिविटीज़ विच आर व्यूड बाई चाइना एज सेट सबर्सिव और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और फॉरन इंटरवेंशन इन हॉगकॉन्ग अफेयर्स तो ये जो नया जो सिक्योरिटी लॉ आया है उसमें सीधा सीधा चाइना हांगकॉन्ग के किसी भी सिटीजन को अगर उसको लगता है कि भाई वो किसी देशद्रोह के काम कर रहा है या चाइना के विरोध में कोई काम कर रहा है या टेर टेररिस्ट एक्टिविटीज के में जुड़ा हुआ है उसको सीधा चाइना अपने यहाँ पे ले जाके जेल में खड़ा कर सकता है अंडर द लॉ पोलिस है उस स्वीपिंग पावर्स टू कंडक्ट सर्चिज विदाउट वारंट्स एंड ऑर्डर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव मैसेजेस डिमांड टू बी इन वायोलेशन ऑफ द लेजिस्लेश देखिए पूरा इंटरनेट अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगेगी तो वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं रहेगी जब इंट गवर्नमेंट चाहेगी कि और जो गवर्नमेंट चाहेगी वही मैसेज आगे पास ऑन हो पाएंगे Thus, the law is considered as an attack on human rights, especially freedom of speech and freedom of assembly of the people of Hong Kong. It also violates the Basic Law of Hong Kong, which suggests suggest that no central government agencies can interfere in the functioning of the special administrative region. Article 12 under the Basic Law suggests that there will be a high degree of ऑटोनॉमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉन्गकॉन्ग और उसीलिए जो होंगकोंग के जो सिटीज़न है वो इस लॉ को क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं और काफ़ी सारे देश खुलकर इसके अपोज में सामने आ रहे हैं ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर से रिलेटेड ओके सो क्या है सो so, वो टॉपिक का नाम है मंगोलियन कंजूर बीइंग रिप्रिंटेड मंगोलियन स्क्रिप्ट में लिखी गई काफ़ी सारी जो मेन्यूस्क्रिप्ट है मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है जो हैंड रिटर्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको रीप्रिंट किया जा रहा है क्यों क्योंकि हम मंगोलिया के साथ जो हमारे कल्चरल टाइज है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ टेकन अप द प्रोजेक्ट ऑफ रीप्रिंटिंग 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कॉन्जोर बाय मार्च 2022 अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट सम कॉपीज़ वर प्रेजेंटेड टू दी गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया ऑन दी ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा को जो फोर्थ जुलाई को था इस दिन उसको क्या कहा जाता है चक्र डे फोर्थ जुलाई 2020 तो उस दिन कुछ जो मेन्यू थी वो मंगोलियन गवर्नमेंट को एज अ गिफ्ट के तौर पर दी गई ओके और मंगोलिया देखिए दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ मंगोलिया तो बीच में एक ही जो बड़ा कंट्री है चाइना और देखिए चाइना का मंगोलिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है रशिया के साथ तो ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट उसका चलता रहता है जापान के साथ साउथ चाइना सी में भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है ताइवान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है तिबेट का जो पूरा हिस्सा है उसको चाइना अपना हिस्सा बताता है नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है भूटान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है राइट चलिए अब मंगोलियन कंजूर क्या है सो इट इज़ अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट इन 108 जीरो एट वॉल्यूम्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया तो मंगोलिया में इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है ये जो 108 सौ आठ वॉलीम्स में बुद्ध धर्म के साथ रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है उसको और उसको कहा जाएगा मंगोलियन कंजूर इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ कल्चरल आइडेंटिटी टू मंगोलिया वो मंगोलिया की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है रिकोगनाइज़ करता है इन दी मंगोलियन लैंग्वेज कंजूर मीन्स कॉन्साइज दी वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड फ्रॉम तिबेटन एंड इज रिटर्न इन क्लासिकल मंगोलियन तो क्लासिक मंगोलियन में उसको लिखा गया है कल्चरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया क्या है सो बुद्धिज्म आउट टू मंगोलिया बाई इंडियन कल्चरल एंड रिलीजियस एम्बेसडर्स ड्यूरिंग दी अर्ली क्रिश्चियन एरा इज अ रिजल्ट टूडे बुद्धिस्ट फ्रॉम दी सिंगल लार्ज लार्जेस्ट रिलीजियस्ट डिनोमिनेशन इन मंगोलिया तो मंगोलिया में जो एक धर्म को फॉलो किया जाता है वो कौन सा है बुद्धिज़्म इंडिया established फॉर्मल diplomatic relations विद मंगोलिया in 1955. फाइव देखिये हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी काफ़ी पुराने हैं फ्रॉम दी नाइनटीन फिफ्टी फाइव दी पब्लिकेशन ऑफ मंगोलियन कंज़ूर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया विल एक्ट एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल हारमोनी बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया एंड विल टू फर्दरस दी बाइलेट्रल रिलेशन ड्यूरिंग दी कमिंग ईयरस तो जब कल्चरल रिलेशन स्ट्रांग हो गए तो आने वाले सालों में इंडिया इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इन ट्रेड रिलेशन बिटवीन मंगोलिया ओके okay, मंगोलिया के रीजन में इंडियन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है ओके okay, तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई कौन सी कंट्री को हम हेल्प कर रहे हो उसकी मेन्यू स्क्रिप्ट को रिवाइव करने के लिए तो योर आंसर विल बी मंगोलियन कंट्री एंड देट इज मंगोलिया ओके चलिए और नेशनल मिशन फॉर मैन्यू स्क्रिप्ट क्या है सो द नेश नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज लॉन्च इन फेब्रुअरी टू थाउजेंड एंड थ्री बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ दी मैंडेट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कंजर्विंग एंड डिसेमिनेटिंग द नॉलेज प्रिजर्व इन द मेन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अ मेन्यूस्क्रिप्ट इज अड रिटर्न कंपोजिशन ऑन पेपर बार्क क्लोथ मेटल फार्मलीफ और एनी अदर मटेरियल डेटिंग बैक एटलीस्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स दैट हैज़ सिग्फ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक हिस्टोलिक हिस्टोरिकल एंड अस्थेटिक वैल्यू तो पचहत्तर साल से पहले अगर कोई भी ऐसी चीज़ लिखी गई हो जो हैंड रिटर्न हो चाहे वो कागज़ पे हो लकड़े पे हो मेटल पे हो या लीफ पे हो तो उसको क्या कहा जाएगा मेन्यूस्क्रिप्ट कहा जाएगा लिथोग्राफ्स एंड प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर नॉट मेन्यूस्क्रिप्ट तो मेन्यूस्क्रिप्ट में लिथोग्राफ और प्रिंटेड वॉल्यूम का इंक्लूजन नहीं हो रहा है मेन्यूस्क्रिप्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सच एज एपीग्राफ्स ऑन रॉक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड्स विच वर प्रोवाइडेड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स और प्रोसेस इज इन हिस्ट्री वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द मिशन इज टू पब्लिश रेयर एंड अनपब्लिश्ड मैन्यू स्क्रिप्ट सो एज द नॉलेज इनरिस्ज इन दैम इज स्प्रेड टू रिसर्चर स्कॉलर एंड द जनरल पब्लिक गेट लार्ज ताकि वो एक्सटिंट ना हो जाए राइट अगर ऐसे से सौ साल पहले अगर कुछ लिखा गया है तो वो जनरल पब्लिक तक पहुंचना चाहिए इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया था इट इज़ अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर और पूरा ये जो काम है का वो कौन देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में किया जाएगा चलिए नेक्स्ट जो काफ़ी पिछले दिनों में चर्चा में रहा वो था रेवा सोलार प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट कहाँ में कहाँ पे बना मध्य प्रदेश में जिसको इनोग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली दी प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनागरेटेड सेवन फिफ्टी मेगावाट सोलर सोलार प्रोजेक्ट सेटअप इन रेवा मध्य प्रदेश रेवा आपको पता है कि रेवा मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम भी है और नर्मदा को भी रेवा कहा जाता है जो आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि नर्मदा कहाँ से निकलती है कौन सा डैम बनाया गया है गुजरात में क्या उसका सिग्निफिकेंस है ये सारी चीज़ें आपको एक बार खुद से रिवाइज करनी है इट इज़ द लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट टू अटेन द ला टारगेट ऑफ 175 सेवेंटी फाइव गीगा वोट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंक्लूडिंग हंड्रेड गीगा वोट ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो यू में इंडिया ने ये बोला है कि भाई हम 2022 तक 175 सेवेंटी फाइव गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच जाएंगे और उसमें ये स्टेप हमें काफ़ी बड़ा स्टेप यहाँ पे हमें होता हुआ दिख रहा है फीचर्स क्या क्या होंगे सो इट इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इट कम्प्राइज थ्री सोलर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ 250 मेगावाट ईच लोकेटेड ऑन अ 500 हेक्टर ऑफ लैंड सिचुएटेड इन अ सोलर पार्क टोटल एरिया ऑफ फिफ्टीन हेक्टर सोलर पार्क होगा वो क्या होगा इट वाज़ डेवलप्ड बाय द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड तो आर यू एम एस एल ये नाम आपको याद रखना है अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो ज्वाइंटली ये तीन जो एजेंसीज है उन्होंने जॉइंटली ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको बनाया है उस पर काम किया है सेंट्रल फिनंशियल असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 138 करोड़ वॉज प्रोवाइडेड टू दी आर यू एम एस एल फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ दो देखिए एक करोड़ रुपए Uh, यहाँ पे दिए गए हैं सिग्निफिकेंस क्या होगा सो ग्रिड पैरिटी बैरियर इट इज़ द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर ग्रिड पैरिटी बैरियर का मतलब क्या हो गया तो ग्रिड पैरिटी अकर्स वेन एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कैन जनरेट पावर एट अ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज लेस देन और इक्वल टू द प्राइज ऑफ पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड

प्राइस पे सोलर पावर जो है वो जनरेट हो रहा है ओके रिस्क रिडक्शन हो गया इट इज़ इट्स पेमेंट सिक्योरिटी मिकैनिज़म फॉर रिड्यूसिंग रिस्क टू पावर डेवलपर्स हैज़ बिन रिकमेंडेड एज अ मॉडल टू अदर स्टेट्स बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो अगर देखिए ये आने वाले कुछ टाइम में हमें पता चल जाएगा कि ये कितना रिलायबल uh, है कितना सक्सेसफुल अगर वो रिलायबल होता है होता है तो अगर हर स्टेट एटलीस्ट एक जगह पे भी अगर इतना बड़ा अगर आ, सोलार पावर का प्लांट अगर लगा दा है ओके okay, और इंडिया में सोलार पावर की कमी नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग नौ महीने जितना इनफ सोलर एनर्जी आपको मिलती रहती है तो जो गोल है हमारा वन सेवेंटी फाइव गीघा वोट तक पहुँचने का उसमें काफ़ी बड़ा हेल्प हमें मिलेगा Renewable energy Project तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंडिया में कैसे काम करता है तो इट इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई इन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट ओके okay, और देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा कि वो कौन से और आउटसाइड दी स्टेट किसको वो बिजली प्रोवाइड करेगा ये जो आपका रेवा सोलर प्रोजेक्ट है तो वो करेगा दिल्ली मेट्रो को जो हंड्रेड परसेंट बिजली जनरेट हो रही है सोलर पैनल से उसकी ट्वेंटी फोर परसेंट बिजली किसको दी जाएगी दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी देखिए तो दिल्ली मेट्रो को कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ पे होगा एक तो सस्ते में बिजली मिलेगी और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है ओके विच विल गेट ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोजेक्ट विद द रिमेनिंग सेवेंटी सिक्स परसेंट बींग सप्लाइड टू द स्टेट डिस्कॉम्स ऑफ मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश के बाकी के डिस्कॉम तो जो 24 घंटे बिजली अब तक नहीं मिलती थी उसको अब मिलने में क्या होगा फ़ायदा मिलेगा मध्य प्रदेश के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम सी टी एफ क्लीन टेक्नोलॉजी फंड विच इज़ अवेलेबल एट अ रेट ऑफ पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर फोर्टी ईयर पीरियड फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक दी सी टी एफ प्रमोट्स सील्ड अप फिनसिंग फ्रॉम डिमोन डेमोन्स्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज विथ अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस एमिशन सेविंग्स कार्बन एमिशन का रिडक्शन होगा वो हमें पता ही है राइट और ग्लोबल अप्रिसिएशन भी यहाँ पर हमें मिलता हुआ दिख रहा है ओके चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होता हुआ दिख रहा है हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ और हेल्थ के साथ ओके okay, तो मिसल्स ऑन रुबेला इन डब्ल्यू एच ओ साउथ एशियन रीजियन ओके चलिए रिसेंटली दी मालदीव्स एंड श्रीलंका हैव बिकम दी फर्स्ट टू कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजियन टू हैव एलिमिनेटेड बोथ मिसल्स एंड रूबेला हेड ऑफ़ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डेडलाइन अभी अगर थोड़ा पाँच महीने हम पीछे जाए जनवरी 2020 में हमने एक न्यूज़ पढ़े थे कि इंडिया ने 30,000 डोज मिसल्स वैक्सीन के पहुंचाए हैं मालदीव को तो मालदीव ने उसके बाद भी इच्छा वो एक छोटा सा आउटब्रेक वहां पे हुआ था बट अब डब्ल्यू ने ये रिकॉगनाइज़ कर, कर, कर दिया है ये पब्लिश कर दिया ही अनाउंस कर दिया है कि श्रीलंका और मालदीव से मीजल्स एंड रूबेला पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं now sri lanka and maldives are free from measles and rubella in september 2019 number, member of countries of who southeast asian region set 2023 as the target for the elimination of measles and rubella

मिसल्स को एलिमिनेट कर दिया है बांग्लादेश भूटान, मालदीव्स नेपाल श्रीलंका एंड टिमोर लेस्ट है कंट्रोल्ड रूबेला ओके okay, तो मालदीव्स और श्रीलंका को छोड़कर बाकी जो कंट्रीज के नाम आपको दिख रहे हैं उन लोगों ने रूबेला को कंट्रोल किया है अभी तक एलिमिनेट होना बाकी है इंडिया और मीजल्स रुबेला का क्या लेना देना है क्या संबंध है सो डिस्पाइट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़ एंड इफेक्टिव वैक्सीन सिंस 1960 हमारे पास 1960 से इसका वैक्सीन अवेलेबल है स्टिल हमारे लिए आज भी एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है क्यों बिकॉज ऑफ़ दॉपूलेशन और क्योंकि हम इतना रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं जो रूरल मास पॉपुलेशन है उनको एंड दैट्स वाई आज तक हमें ये मीजल्स और रुबेला एलिमिनेट होता हुआ नहीं दिखा है मोर देन वन पॉइंट थ्री मिलियन चिल्ड्रन अक्वायर मीजल्स इन्फेक्शन एंड अराउंड फो फोटी नाइन थाउजेंड इन्फेक्टेड चिल्ड्रन डाई ईच ईयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नियरली थर्टी सिक्स परसेंट टू दी ग्लोबल फिगर्स देखिए आज हम कोविड नाइन्टीन के टाइम में सौ डेथ भी अगर हो जाती है तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है बट इतने सालों से एवरेज पचास हज़ार बच्चे मरते हुए हमें दिख रहे हैं ड्यू टू ओनली मीजल्स के कारण बाकी सारे डिजीज़ तो छोड़ दीजिए डेंगू मलेरिया न्यूमोनिया ये डिजीज तो छोड़ दीजिए ओके चलिए रुबेला इन्फेक्शन इज इन प्रेग्नेंट वुमेन में कॉज फेटल डेथ और कॉन्जेशनल डिफेक्ट्स इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स इन ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड चिल्ड्रन एन्यूअल इन दी कंट्री और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है तो ये इनिशिएटिव आपको दिख रहे यहाँ पे और देखिए क्योंकि मीजल और रूबेला काफ़ी सिमिलर डिजीज़ है इसलिए उनकी वैक्सीन जो है वो भी कंबाइंड वैक्सीन बनाई गई है ओके The Ministry of Health and Family Welfare launched the MR vaccination program in 2017. The MR campaign targets around 41 crore children across the country, the largest ever in any campaign. All children aged between 9 months and less than 15 years are given a single shot of MR vaccination, irrespective of their Previous measles rubella vaccination status or measles rubella disease status. MR vaccine are provided free of cost across the states. ओके अदर इनिशिएटिव इंक्लूड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके बारे में ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं मिशन इंद्रधनुष एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ओके तो ये जो तीन जो हाईलाइटेड मिशन आपको दिख रहा है जस्ट रिवाइज देम बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू Okay, so this was your today's lectures. Let me know in case of any doubt. Stay home, stay safe. Thank you.